4 जून को लोकसभा 2024 का जो रिजल्ट आया है वो चौंका देने वाला है। इस बार जो चुनाव के परिणाम आए हैं उससे राजनीतिक पार्टियां तो हैरानी है, साथ ही साथ जनता को भी गहरा सदमा लगा है। वो जो लोग चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे कि अब की बार 400 पार, अब की बार मोदी सरकार, मोदी लहर चल रही है, विपक्ष दिखाई भी नहीं देगा, इन सभी बातों का जवाब है ये रिजल्ट। जिस तरीके से रिजल्ट सामने आए हैं उससे बीजेपी की जीत भी जीत नहीं लग रही है, ये अलग विषय है। लेकिन उससे पहले जरा उस पार्टी को याद कर लेते हैं जो चुनाव का रिजल्ट आते ही गायब हो गई है। मैं बात कर रही हूँ दिल्ली और पंजाब की शान, जेल का जवाब वोट से, केजरीवाल का वजन घट गया, ऐसी बातें करने वाले आम आदमी पार्टी। नमस्कार, मैं हूँ राधिका राज और आप देख रहे हैं जनहित टाइम्स। देश की राजधानी दिल्ली में जहां आप पार्टी कहती थी कि हमारा डंका बचता है, आज वो पार्टी दिखाई तक नहीं दे रही है। वो आतिशी, वो संजय सिंह जो चिल्ला चिल्ला कर प्रेस वार्ता में बीजेपी पर तंज कसते थे, जेल का जवाब वोट से मांगते थे, आज उनके लिए लोगों ने वोट तक नहीं किया। मैं आपको बता दूं, दिल्ली में 7 सीटों का चुनाव था जिसमें 7 की 7 सीटें भाजपा अपनी झोली में ले गई। जी हाँ, 7 की 7 सीट, यानी आप पार्टी की झोली में ठेंगा आया है। इससे बड़ी तोहीन कहूं या बेशर्मी की बात क्या हो सकती है कि आपके पास कुल मिलाकर 2 राज्य थे, उन दोनों ही राज्यों में आप पार्टी निरस्त हो गई। केवल आप पार्टी कुल मिलाकर 3 सीट ही बना पाई है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि आप पार्टी से जनता कितनी परेशान थी। पहले आपको बता दूं कि दिल्ली की 7 की 7 सीट पर बीजेपी के कौन कौन से प्रत्याशी जीते हैं, फिर आपको बताऊंगी कि आखिर आप पार्टी की सरकार इतनी बुरी तरीके से कैसे चित हो गई। बीजेपी का जब दिल्ली का रिपोर्ट कार्ड देखा गया तो जनता और विपक्ष दोनों दंग रह गए। चांदनी चौक से प्रवीण खंडेलवाल, उत्तर पूर्वी दिल्ली से मनोज तिवारी, नई दिल्ली और पूर्वी दिल्ली से बासुरी स्वराज और हर्ष मल्होत्रा, वही उत्तर पश्चिमी दिल्ली और पश्चिमी दिल्ली से योगेंद्र चंदोलिया और कमलजीत सहरावत, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट दक्षिण दिल्ली से रामवीर सिंह भिदूड़ी ने जीत हासिल की। अब आइए जान लेते हैं कि दिल्ली से आप पार्टी का सूपड़ा कैसे साफ हो गया। आपका चुनाव प्रचार दिल्ली सरकार की परफॉर्मेंस और अपने नेताओं की गिरफ्तारी पर केंद्रित रहा, जहां पार्टी ये उम्मीद कर रही थी कि मंत्रियों के जेल जाने से सहानुभूति मिलेगी, वो गलत साबित हुआ। क्या कुछ मुद्दे आप पार्टी ने नहीं उठाए और क्या कुछ आरोप अपने सर पर नहीं लिए आप पार्टी ने, कितना कुछ आप पार्टी ने दिल्ली को दिया। शराब 1 पर 1 फ्री करवा दी, पानी के लिए जनता को तरसा दिया, पानी की चोरी का आरोप सर पर ले लिया, स्वाति मालीवाल को मुख्यमंत्री आवास में पिटवा दिया, शराब घोटाला से लेकर मनी लॉन्ड्रिंग तक मामला अपने सर ले लिया, जिसके बाद भी जेल का जवाब वोट से का नारा चला दिया। लेकिन देखिए किस्मत ने इनके साथ कितना गलत किया। अब मुख्यमंत्री को ही जेल से जवाब खुद को देना होगा कि आखिर वोट उनको क्यों नहीं मिले। मोदी जी ने तानाशाही ला दी, मोदी जी ने पानी छीन लिया, मोदी जी ये, मोदी जी वो, अब मोदी जी ने आप पार्टी से वोट छीन लिया और क्लीन बोल्ड भी कर दिया। इस बार आप पार्टी ने दिल्ली में बीजेपी से मुकाबले के लिए कांग्रेस और आप ने हाथ मिला लिया था। 7 सीटों में 4 पर आप लड़ी और 3 पर कांग्रेस, लेकिन नतीजा आपके सामने है, 1 सीट 2 पार्टी मिलकर भी नहीं जुटा पाई। और आज आतिशी या संजय सिंह या सौरभ भारद्वाज या गोपाल राय कोई भी प्रेस वार्ता कर कुछ नहीं बोल रहा है। आज उनका ऑफिशियल एक्स अकाउंट भी उतना ही खाली है जितना कि उनका दिल्ली का वोट बैंक। अब सिर्फ वो इधर उधर की बातें ही कर रहे हैं। वही पंजाब में आपका प्रचार मुफ्त बिजली पानी, स्कूलों के विकास और मोहल्ला क्लिनिक पर आधारित रहा। हालांकि वोटर्स आपके गायब विधायकों की शिकायत करते दिखे, वही महिलाओं को पेंशन का वादा भी भागवत मान सरकार ने पूरा नहीं किया, जिसके नतीजे है कि आप पार्टी को केवल 3 सीट ही मिली है। ऐसे में आज केजरीवाल भी सोच रहे होंगे कि काश मैं मोदी जी पर तंज कसने की जगह और बड़े बड़े दावे करने की जगह काम कर लेता तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए जनहित टाइम्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें।